से ही शुरुआत होगी हमारे एक होने की। यश, यश छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे पूरा हक है। पति हो तो कुछ भी करोगे? छोड़ो मुझे, मेरे बिना मर्जी के तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। खामोश, मेरी बीवी होकर किसी पराए वर्त के लिए इतने सितम झेल रही है और मैं हाथ लगाता हूँ तो करण लगता है। साहिल पराया नहीं, मेरा अपना है। और हमारे रिश्ते में मैंने अब तक आपको पति का दर्जा नहीं दिया, इसलिए चले जाइए यहाँ से। जी हाँ, आज वेदिका को झेलनी पड़ रही है अपने अनचाहे पति यश की जातियाँ। भाई यही तो है समझौते की शादी के साइड इफेक्ट्स। शादी हो गई है, सुहागरात नहीं हुई है हमारी, और यश को बहुत और गुस्सा आ गया है क्योंकि उसे हमेशा ही डाउट था कि वेदिका और साहिल के बीच। साहिल को तो हमेशा से ही रहा है वेदिका के लिए प्यार, बट वेदिका कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो और उसे हमेशा डाउट था कि वेदिका को भी साहिल के लिए ये फीलिंग है, बट वेदिका ने कभी मुंह से बोला नहीं है। कुछ चीज़ों को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती वेदिका, क्योंकि जो भी आप साहिल के लिए कर रही हैं उसे देखकर तो कोई भी समझ जाएगा कि आप दोनों के बीच कोई और नहीं बस प्यार का रिश्ता है। मैं जानती हूँ तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो। साहिल कुछ बोलो प्लीज। ग्रहों की दिशा शुभ नहीं है, भारी कष्ट मंडरा रहा है उनके सर पर। एक महातपस्या है, यदि वो पूरी हो जाए तो उनके प्राण बच सकते हैं, पर वो तपस्या इनकी पत्नी को करनी होगी। वेदिका हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हारे आगे, जान बचा लो। तो उसको और गुस्सा आ रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम किसी और के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। भाई मुश्किल ये है कि इस मुसीबत की घड़ी में वेदिका के साथ इस बार साहिल नहीं है और वेदिका को ये जंग अकेले ही लड़नी होगी। हाँ, क्योंकि वो फिजिकल होने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ द लास्ट थिंग फॉर अ वुमन, जो एक्सेप्ट नहीं करती एक रिलेशनशिप। वैसे भी जबरदस्ती तो कोई वुमन एक्सेप्ट ही नहीं करती है। भाई इस जबरदस्ती का रिश्ता आपने खुद ही तो चुना था वेदिका, इसलिए अब इससे लड़ना भी आपको खुद ही होगा। और हमारी मानिए, जल्द से जल्द साहिल के प्यार को समझ कर उसे स्वीकार कर लीजिए, इसी में है आप दोनों की भलाई। विशाल शर्मा, मुंबई आज तक।